प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा से समर्थित कर्मचारी गुट पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश सचिवालय स्थित कर्मचारी महासंघ की मुख्य कार्यालय पर अपना कार्य शुरू करने के बाद अब जिला मुख्यालयों पर भी कर्मचारी गुटों ने अपनी सक्रियता दिखानी शुरू कर दी है। सुरेश ठाकुर गुट से समर्थित अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मंडी जिला में भी अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के वियोली स्थित कार्यालय में सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदेश महामंत्री एनआर ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कर्मचारी ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। प्रदेश महामंत्री एनआर ठाकुर ने कहा कि महासंघ अपना समय कर्मचारी कल्याण हेतु लगाएगा तथा बदला बदली की भावना से कोई कार्य नहीं होगा। सभी कर्मचारियों को साथ लेकर सरकार के समक्ष कर्मचारी मुद्दे प्रमुखता से रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल महासंघ दो वर्ष पहले बिंदुराज धर्मशाला शिमला में हुई चुनावों के आधार पर ही अपना कार्य करेगा। अगले चुनावों की घोषणा मार्च माह में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में होगी। इससे पहले प्रदेश के कर्मचारी नेता सभी जिलों में प्रवास करके कर्मचारियों की समस्याओं को उनके साथ बैठक करके समझने का प्रयास करेंगे। एनआर ठाकुर ने कहा कि इस बार खंड स्तर से प्रदेश स्तर तक एक ताकतवर महासंघ बनाने की कोशिश होगी। जिन कर्मचारियों नेताओं ने 5 वर्ष तक सरकार की प्रताड़ना झेली है उन्हें अधिमान दिया जाएगा। साथ ही नए कर्मचारी नेताओं को भी महासंघ में शामिल किया जाएगा ताकि नई लीडरशिप तैयार करके महासंघ को एक अच्छे मॉडल के रूप में उभारा जा सके। उन्होंने विभागीय संगठनों में भी बदलाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष में महासंघ की गरिमा में गिरावट आई है। कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही दहशत व तानाशाही का माहौल बनाया। कर्मचारियों को ट्रांसफर ट्रेड टर्मिनेशन के नाम से डराया धमकाया गया। कोई भी कर्मचारी मुद्दा 5 सालों में सुलझ नहीं पाया। इस दौरान एक संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, वह भी बेनतीजा साबित हुई। महासंघ उत्पीड़ित कर्मचारियों की सूची शीघ्र ही मुख्यमंत्री को सौंपेंगे तथा न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। महासंघ को उम्मीद है कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में कर्मचारी एवं मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से लेगी। एनजीओ फेडरेशन जो है वो अपना काम गंभीरता से करेगी और सरकार बदल गई है। हमें पूरी उम्मीद है, एनजीओ फेडरेशन को ये विश्वास है कि नए मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी जो सरल स्वभाव के हैं, मृदुभाषी मुख्यमंत्री हैं, कर्मठ और निष्ठावान हैं, इनके नेतृत्व में कर्मचारी की जो समस्या है उनका समाधान होगा। क्योंकि भाजपा हमेशा जो है कर्मचारी हितैषी सरकार रही है और उसकी छवि कर्मचारी हितैषी सरकार की है। धूमल का 2 टाइम का जो कार्यकाल है वो कर्मचारी हितैषी रहा है, तो हम उम्मीद करेंगे कि जयराम ठाकुर का कार्यकाल भी कर्मचारी हितैषी सरकार का कार्यकाल साबित होगा, ऐसा प्रदेश एनजीओ फेडरेशन जो है उम्मीद करती है। इस मौके पर प्रदेश वित्त सचिव चेतराम ठाकुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन लाल चावला, जिला महामंत्री दिनेश शर्मा, उपाध्यक्ष कुलदीप ठाकुर, कोषाध्यक्ष मेघ सिंह, संगठन सचिव नरेंद्र ठाकुर, मुख्य सलाहकार सूरज सिंह, संयुक्त सचिव करमचंद और प्रेस उमेश कुमार ने भी अपने विचार रखे। बैठक के बाद कर्मचारी नेता उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर से भी मिले तथा उन्हें जिला मंडी का कार्यभार संभालने हेतु बधाई दी।